वन गो। वेलकम टू माय चैनल। ये पूरी बाजार लगी है यहाँ पे। बोलो ऐसे ले रही हूँ, वीडियो ले रही हूँ इसके लिए। अंकल बोले मेरा भी लो साथ में फोटो ले ली। अंकल का बोले ना दही वड़े, ये है ना आपके दही वड़े। पीछे सब दिख रहा है, अगर मुंह मत लेना। वो खुद ही बोले लेने से मेरा फोटो ले लूंगी। ऐसे पकड़ो, मस्त आ रहा एकदम आपका। अरे पकड़ने को नहीं होगा, गाइज ये देखिए अंकल जो है कितने स्पीड में यहाँ पे जलेबियाँ बना रहे हैं। कितनी हैबिट होगी ना ये अंकल को, फटाफट एकदम बना रहे थे। और मैं बस हम लोग यहीं यही शॉप से जो है हम अपनी जलेबियाँ ले रहे थे सभी लोग। तो बस मैंने देखा अंकल प्रिपेयर थे जलेबी बनाने के लिए, तो मैंने जल्दी से इसे शूट कर लिया, मैंने मिस नहीं किया। उसके बाद इन्होंने खुद ही कहा आप रुक जाइए अभी हम इसे कैसे बनाते हैं पूरा देखिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर बस देखिए अभी इसे अच्छे से एकदम ब्राउन डार्क ब्राउन करके फ्राई कर लिया गया है गाइस। और बाजों की कढ़ाई में चाशनी एकदम रेडी है, तो बस अभी यहाँ से निकालना है और चाशनी में डुबो देना है। ये देखिए गाइस, आहा गर्मा गर्म जलेबी। गाइस निकल गए हैं हम लोग और बाज़ार जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। गाइस हम लोग ने कुछ यहाँ पे शॉपिंग वगैरह नहीं करे हैं, बस मिठाइयाँ लिए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस। और अभी जो है मगरिब होने वाली है थोड़ी ही देर में, इसके लिए हम लोग और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। ये देखिए गाइस सामने जो है एक मस्जिद दिख सकती है आप लोग को पीछे मेरे बैक साइड पर, इसके लिए मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही थी आप लोगों को। गाइस अभी जो है ना हम लोग ना शायद से शॉर्टकट जा रहे हैं, क्योंकि हम आने के टाइम पे मेन रोड से आ रहे थे आप लोगों ने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा होगा गाइस। अभी जो है ना हम लोग कुछ थोड़ा शॉर्टकट जा रहे हैं, आगे एक रिक्शा जा रही है बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं रिक्शा कहाँ कहाँ से जाती है गाइस, शायद जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि गाइस हम लोग ने जो है ना अभी तक दोपहर का खाना भी नहीं खाया है और सब बस ऐसे नाश्ता करे और बहुत ज़ोरों की लग रही है भूख, तो बस जल्दी से घर पहुँचेंगे। गाइस जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बाज़ार से थोड़ी 10 से 15 मिनट का रास्ता है गाइस। तो बस अभी हमें 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी लग सकता है। वैसे तो मुंबई जैसा यहाँ पे ट्रैफिक वाला सिस्टम ज़रा भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए कितना खाली खाली है रोड, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। आगे बस एक सिंगल रिक्शा हमें देखने में मिल रहा है और पीछे जो हमारी खुद की ही बाइक है जिसपे हम बैठे हुए गाइस। और ये
तो बस ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा क्राउड नहीं है। अगर गाइस मुंबई जैसा यहाँ पे क्राउड होता ना तो सीरियसली गाइस शायद से हम लोग और एक आधा घंटा तो हमें लग जाता आराम से पहुँचने के लिए, क्योंकि जहाँ 15 से 20 मिनट का रास्ता है ट्रैफिक की वजह से जो है गाइस हम वहाँ पे बहुत ही लेट पहुँचते हैं। ये गाइस ये देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल से मस्जिद है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बाकी यहाँ के जो घर है और भी चीज़ें हैं, ये देखिए ये गेट है, इस पर मोमिनपुरा लिखा है गाइस यहाँ पे, और कुछ नगर भी लिखा है, वो इतना क्लियर नहीं दिखा मुझे। तो जी हाँ, ये देखिए गाइस, ये यही वो रोड है जहाँ से हम जाने के टाइम गए थे, और अभी हम ये गेट से देखिए अंदर से गलियों गलियों में से आए हैं, तो यानी कि ये थोड़ा शॉर्टकट था। अभी हम मेन रोड पर आ गए हैं। ये देखिए, ये सब जाते वक्त मैंने सब शूट किया था गाइस, जाते वक्त मैंने उस साइड का ज़्यादा शूट किया था गाइस। अभी इस साइड का देखते हैं, ये आई थिंक मॉल टाइप है कुछ, छोटा मिनी मॉल करके, और ये पेट्रोल पम्प है आगे, और यहाँ पे तांगा भी बहुत चलता है गाइस, आप लोगों ने देखा होगा। और ये देखिए बैलगाड़ियाँ भी चल रही है। सो गाइस, ये घोड़ा गाड़ी बहुत मज़ा आता है ना, ये सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हम अपने मुंबई जैसे शहर में ये सब चीज़ें कहाँ जल्दी देख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ के घर, बंगलो टाइप जो घर बने हुए, वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे देखने में, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाज़ार से आ गए हैं हम लोग और सब कुछ ले लिए हैं, मिठाई जो स्वीट लेने थे सब ने लिए हैं स्वीट, और बहुत बड़ा हम लोग का पचका हो गया, पचका नहीं हुआ गाइस, एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। रिक्शा तो आई हमारी पर बहुत लेट आई, जिसकी वजह से हम लोग ने कैंसिल कर दिए जाना गाइस, अगर हम वहाँ जाते ना तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती, इसके लिए हम लोग ना मजबूरी में घूमना जाना कैंसिल करना पड़ा। सबका मूड ऑफ था, क्या करें, होता है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अच्छे से घूमेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे गाइस। बहुत जल्दी में आए थे हम लोग, अभी जो आए हैं कुछ शादी के हिसाब से आए थे, क्योंकि आप लोग को भी पता है अभी बच्चे लोग के स्कूल वगैरह है, मैंने आलिया के स्कूल की छुट्टी ली है खास यहाँ आने के लिए गाइस। तो बस आज का जो है, बस आज का हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग सब मिठाई लेने गए थे, और अभी आ गए हम लोग जहाँ पे ठहरे हुए हैं मोमिन जमात खाना, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया था गाइस, वहाँ पे बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए गाइस आ गए हैं, तो आ गए हैं हम लोग, और अभी जा रहे हैं अंदर। तो ही गाइस, बैठ चुके हैं हम सब ट्रेन में और सुबह हो गई है, और गाइस अभी जस्ट कल्याण स्टेशन आके गया है, कल्याण से ट्रेन छूट चुकी है, बस अगला स्टॉप जो है हम दादर पे ही हमें उतरना है गाइस। जी हाँ, तो चलिए गाइस, और मैंने रात में कुछ शूट नहीं किया गाइस, क्योंकि बहुत बारिश भी हो रही थी और बहुत गड़बड़ थी निकलने के टाइम, सामान वगैरह भी सब, इतने सारे जो हमारी फैमिली थी साथ में हम लोग सब निकल रहे थे, इसके लिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो चलिए मिलते हैं घर पे। तो हे गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मिठाई खाने, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तब उल्टी सीधी हो गई हमारी मिठाई, हाँ सफर के दौरान। चलो ठीक है, तो चलिए आ जाइए खाने गाइस। वेलकम, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया मॉम ब्लॉग्स में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस कैसे आप सब लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों की दुआओं से हम सब अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस जी हाँ, फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पे। ये देखो पीछे आलिया को, आलिया क्या कर रही है मम्मा, ये क्या है, क्या कर रहे हो आप, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, मास्क पहने हो अपने। अच्छा, तो हे गाइस, थकान तो इतनी थकान हो गई है ना गाइस, नींद नहीं पूरी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखो मैं क्या बन गई हूं। खरगोश लग रही है, क्यूट सी है ना गाइस, क्यूट सी खरगोश लग रही है। तो एक गाइस, मैं बोल रही थी कि थकान इतनी हो गई ना ट्रेन में ना, एक्चुअली में बराबर नींद नहीं मिली हम लोग को, तो नींद मिली आलिया सो गई थी, बहुत जल्दी सो गए थे। और गाइस मैंने निकलने के टाइम पे कुछ शूट इसके लिए नहीं किया गाइस, बिकॉज इतनी अच्छी बारिश होने लग गई थी ना, हम लोग जब निकल रहे थे ना आने के लिए, तो इतनी अच्छी बारिश होने लगी, तो
बस बारिश इन्जॉय करने में लग गई, मैंने कुछ शूट नहीं किया वहाँ पे। फिर उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने वो क्लिप देखा, मॉर्निंग जब कल्याण स्टेशन आया तो मैं उठी, मैं बोली लाओ कुछ तो शूट कर लूँ। मैं बोली कुछ भी मैंने नहीं लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग एडजस्टमेंट करते करते बहुत ज़्यादा थक गए थे ट्रेन में गाइस। इसके लिए जो है हमें काफ़ी लेट हो गया सोने में, और सो भी नहीं पाए ज़्यादा। जब हम लोग आ रहे थे ना बुरहानपुर तो बहुत मज़े से आए। जब जा रहे थे ना तभी तो बहुत मजा आई थी। तभी तो हम लोग जाने के टाइम रात में कुछ 3-3.30 बजे तक बात ही कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आने के टाइम सब उठ गए थे। तो गाइज मैं ये बोलना चाहती हूँ बस जल्दी से जो ये बुरहानपुर के सारे व्लॉग को जो है आज लास्ट है ये व्लॉग, तो यहीं पे एंड कर देते हैं हम लोग। इंशाल्लाह कुछ नया व्लॉग बनाएंगे, आप लोग भी बोर हो गए होंगे गाइज देख देख के, है ना मम्मा। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा क्यों ना ये व्लॉग को यहीं पे बस एंड कर देते हैं, और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कुछ नया व्लॉग करेंगे गाइज। और प्लीज़ प्लीज़ जो हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। जी हाँ गाइज, हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। तो गाइज जैसे कि मैं बोल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने मिठाइयाँ भी ले लिया है और जलेबी भी लाए हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमने वो मिठाई खाई, रस वाली बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी, और जलेबी भी मावे वाली जलेबी है और बुरहानपुर का बहुत फेमस है। तो और मुझे बहुत मज़ा आया, मैं जहाँ पर जा रही थी गाइज, मैं घूम रहे थे ना खेल रहे थे गाइज, मैं जहाँ पे भी जा रही थी ना शॉप पे दुकानों पे मिठाइयों के, अंकल लोग इतने अच्छे थे ना, इतने हंसमुख थे ना, वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी गाइज। और मुझे मतलब मुझे शूट करने में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। वैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अरे आप शूट क्यों कर रहे हो, या कुछ कुछ भी इशू हो सकता है, यू नो गाइज। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो गाइज तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, इधर आओ मम्मा याद रखिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, हम सबकी जरूरत होगी, अगले वीडियो के लिए हम सबकी जरूरत होगी, आपको थोड़ी सी एमबी की जरूरत होगी, और हमें थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत। कीप सपोर्टिंग गाइस एंड लव यू ऑल।